नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। कांग्रेस के साथ माझी की चाय तो फीकी रही थी, लेकिन महागठबंधन में बात करें तो राजद के दो बड़े धुरंधर की बात करें, यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दो बड़े जो पुत्र हैं, दोनों पुत्रों की बात करें तो कल उनकी डिनर थी, यानी कि दोनों साथ में बैठ करके डिनर कर रहे थे, लेकिन इस डिनर से बहुत कुछ सामने आ गया है। बड़ी खबर भारत लाइव की टीम आपको बता रही है कि कल तेज प्रताप यादव के घर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, अपने जीजा जी के साथ पहुंचे हुए थे और अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने जो तेज प्रताप यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जो मिलकर रांची से वापस लौटे हैं, उन बातों पर जो है चर्चा हुई और क्या कुछ कहा लालू प्रसाद यादव ने, उन पे इन दोनों की डिनर के बहाने जो है विस्तृत चर्चा हुई है। आपको बता दें, भीतरखाने से जो खबर आ रही है उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को रघुवंश प्रसाद सिंह पर दिए गए एक लोटा पानी वाले बयान पे तलब किया था, रांची तलब किया था। इसके बाद उन्होंने इस बारे पे भी जो है इस मसले पे भी उनको राय दी और कहा, तेज प्रताप यादव को सलाह देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार चुनाव के दरमियान ऐसी जो बयानबाजी है इससे वो दूर रहे, और बहुत सारे मसलों पर राजद की जो नीति है उसको लेकर के चर्चा हुई और उनके बिहार विधानसभा चुनाव में वो कहां से लड़ेंगे इस पे भी लालू यादव की उनसे चर्चा हुई। अगर बात करें डिनर के बहाने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की, इन सारे मसलों पर बातचीत हुई। साथ ही पिता ने क्या मंत्र दिया है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, इन पे भी, और बिहार चुनाव के मद्देनजर जो पहले से ही आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी साफ किया था कि लालू प्रसाद यादव ही जो है बिहार में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है महागठबंधन की उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि महागठबंधन को लालू प्रसाद यादव ही अपने हिस्से से आगे ले जाएंगे, मतलब अपने बलबूते जो है लालू प्रसाद यादव ही उसको पूरे महागठबंधन को कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके बाद इन सारे मसलों को लेकर के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में बातचीत हुई है। इसके साथ ही आपको एक बड़ी खबर और बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के जो बड़ी बातें सामने आ रही थी, जब वो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए थे, तो ऐसे में उनको लेकर के जो अटकलें सामने आ रही थी, तेजस्वी यादव उनसे मिलने भी गए थे और उनका हालचाल लेने के बहाने उन्हें मनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन ये प्रयास जो है फीका नजर आया था। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने रांची में अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव से मुलाकात के दौरान कहा, और जो पार्टी में रमा सिंह की एंट्री की जो बात हो रही थी, हालांकि आपको बता दें कि राजद के तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई थी, कोई तारीख तय नहीं की गई थी, लेकिन रमा सिंह ने खुद को ये स्वघोषित कर दिया था कि 29 तारीख को 29 अगस्त को वो राजद में शामिल होंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस फैसले पर, रमा सिंह की एंट्री पर, दोबारा जो है रोक लगा दी है। इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में चर्चा हुई। और जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि ये रोक लगा करके लालू प्रसाद यादव ने अंतिम बार जो है सबसे अंतिम बार जो एक और प्रयास किया है रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने का, उन्हें पार्टी में जो है जो नाराजगी है उनकी दूर करने, उनकी जो नाराजगी है रघुवंश प्रसाद सिंह की उनको दूर करने का एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने कोशिश किया है। तो डिनर के बहाने जो है बहुत सारी बिहार की जो राजनीतिक गतिविधि है उस पर चर्चा हुई है और लालू यादव ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। हालांकि इस डिनर से क्या क्या रिजल्ट आता है सामने, ये हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।